हिंदी मीडियम केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था प्रयोगशाला विधि, इथर अपना चल रहा था, इथर बनाने की प्रयोगशाला विधि जो है वह हम पढ़ रहे थे। अब प्रयोगशाला विधि में हमने इसे बना लिया था, उसके बाद इसका शोधन भी कर लिया था, इसका विरचन भी किया और उसके बाद शोधन भी कर लिया था। शुद्ध अवस्था में हमारे पास जो इथर है वो प्राप्त हो गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी विधि जो है वो देखते हैं, इथर बनाने की औद्योगिक विधि। इथर बनाने की औद्योगिक विधि जो है वो हम देखते हैं। औद्योगिक विधि जो है उसी में भी प्रोसेस जो है वह वही है, उसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन चैम्बर में जिसमें हम एथेनॉल जो है उसको निर्जलीकरण की उपस्थिति में गर्म करके निर्जलीकृत कर रहे थे 413 केल्विन पर, तो वह टेम्परेचर जो है वह मेंटेन यहाँ पर रखेंगे किससे, स्टीम ट्यूब से, भाप की नलियों से, और कितना रखेंगे 413 केल्विन। अब इसमें हम इधर से इन करवाएंगे एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल के साथ H2SO4 जो है वो हम इस चैम्बर में लेंगे, प्लस H2SO4, और इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास भाप प्राप्त होगी इथर की, इथर की भाप प्राप्त होगी। इस इथर की भाप को हम NaOH सॉल्यूशन में से पास आउट करेंगे, NaOH कक्ष में से पास आउट करेंगे और इस प्रकार से हम इसे इसमें से पास आउट करते हुए इसकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ले सकते हो आप, सीधे भी चैम्बर में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से इसे पास आउट करेंगे, जिससे आपको मैं पहले पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि SO2 जो है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, उसकी अशुद्धि जो है वह दूर हो जाएगी, उसकी अशुद्धि दूर हो जाएगी जब इसमें से हम NaOH कक्ष में से इसे पास आउट करेंगे तो उस कंडीशन में। अब नेक्स्ट जो है उसमें हम इसका प्रवादी आसवन करवाएंगे, प्रवादी आसवन कक्ष जो है उसमें इसे हम लेकर के जाएंगे, प्रवादी आसवन कक्ष को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं। ऐसे ही स्ट्रक्चर्स जरूर आप बना लोगे यहाँ पर आगे, और ये है प्रवादी आसवन, प्रवादी आसवन इसमें हम करवाएंगे। प्रवादी आसवन से हमें इथर जो है उसकी वेपर या भाप जो वो मिल जाएगी, बाकी यहाँ पर जो हमारे पास बचा हुआ या इसमें प्रवादी आसवन से एथेनॉल को प्राप्त हो ATOH पुनः प्रयोग कर दिया जाएगा, वहां पर भेज दिया जाएगा, उसके बाद इसे हम ट्यूब में लेंगे और इस ट्यूब को ठंडा करेंगे, रिसीवर में इसे प्राप्त कर लेंगे।
शीतलन कक्ष, ठीक है। एक बार देख लीजिए, मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई थी, इथर बनाने के औद्योगिक विधि पढ़ रहे हैं हम। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हम गर्म भाप की नलियां दोनों काम में लेते हैं। गर्म भाप की नलियां जो है वो काम में लेते हैं। टेम्परेचर जो है वो 413 के रेंज जो है वो बनाए रखते हैं इसमें। अब 413 पर एथेनॉल और एस्कलस फोर कंसंट्रेट एस्कलस फोर लेकर के रिएक्शन करवाएंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमारे पास जो है वो इथर बनेगा, और इस इथर को NaOH कक्ष में इसे गुजारेंगे, और गुजारने के बाद ऐसा कुछ अशुद्धि जो है वह दूर हो जाएगी, और वाद्य आसन के द्वारा एथेनॉल जो है वो नीचे प्राप्त हो जाएगा, और इथर जो है वह 307.6 के लिए पर यहाँ पर आगे की तरफ निष्कासित हो जाएगा, जिससे हम शीतलन कक्ष में से इसे गुजार करके रिसीवर में प्राप्त कर लेंगे। औद्योगिक विधि जो है वो इस प्रकार से काम में ली जाती है, प्रयुक्त की जाती है। प्राप्त इथर जो है वह लगभग शुद्ध अवस्था में होगा, इसे और भी शुष्क हम कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन सेम है जो मैंने प्रयोगशाला विधि में आपको बताई थी, वही एज इट इज केमिकल रिएक्शन जो है वो होगी। यहाँ तक के लिए आप एक बार अच्छे से कॉपी में इसे बना करके स्टडी कर लें अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो मुझे आप ऑफलाइन क्लासेज में भी पूछ सकते हैं, लिख कर रख लें। इतनी समस्याएं आपको याद नहीं रहेंगी सीधे, कौन कौन सी समस्याएं पूछनी है, तो आप इसे अंडरलाइन पेंसिल से या मार्कर से करते हुए आप इसे बाद में पूछने के लिए तैयार रखें, या फिर हो सके तो कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया है औद्योगिक विधि। दूसरी वीडियो को रिवर्स करके आप एक से अधिक बार भी देख सकते हैं। थर्ड देखते हैं अन्य विधि, अन्य विधि, अन्य कौन कौन सी विधि। अन्य विधियों में हम देखेंगे पहली विधि एलुमिना, एलुमिना के द्वारा निर्जलीकरण, एलुमिना के द्वारा निर्जलीकरण। यदि हम एथेनॉल को लें C2H5OH, उसको यदि हम Ar2O3 एलुमिना की उपस्थिति में 523 केल्विन टेम्परेचर पर, ध्यान रहे टेम्परेचर कंडीशन जो है वो आप ध्यान रखें, यदि हम 523 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं तो उस कंडीशन में 523 केल्विन तापक्रम लेते हैं तो उस कंडीशन में इथर जो है प्योर बनेगा इथर जो है उसका फॉर्मेशन होगा। लेकिन यदि 653 केल्विन तापक्रम पर पहुंच जाएंगे तो उस कंडीशन में 653 केल्विन तापक्रम पर पहुंच जाएंगे तो उस कंडीशन में एथीन जो है उसका मिश्रण हो जाएगा, एथीन जो है वह बन जाएगी 523 केल्विन पर, यह है 653 केल्विन पर एथीन, जो आगे हम पढ़ेंगे भी आगे रिएक्शंस में हम इस चीज को देखेंगे। तो एलुमिना द्वारा ये है। दूसरा जो है वो विलियमसन संश्लेषण क्या है आप ध्यान दें, जब हम जो लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं वही आपको लिखनी होती है, जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाते हैं, ठीक है दोबारा सुन ले, जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया आरएच की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो इस स्थिति में इथर जो है वो प्राप्त करवाते हैं तो हमें इथर प्राप्त होता है, R O R A के लिए हमने आदेश दिया है तो ये आदेश हो जाएगा
यह है इथर प्लस एंजल्स, यह विधि विलियमसन संश्लेषण विधि का है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा एल्बिना के द्वारा निर्जलीकरण, तो एल्बिना के द्वारा निर्जलीकरण करेंगे तो इस प्रकार से इथर प्राप्त होगा। और दूसरी विलियमसन इथर संश्लेषण विधि द्वारा, विलियमसन संश्लेषण द्वारा भी कह सकते हैं, विलियमसन इथर संश्लेषण द्वारा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इथर जो उसका संश्लेषण हमें प्राप्त होता है। इसमें कुछ कंडीशन सप्लाई होती है। देखिए यदि हमें 3 डिग्री एल्किल समूह लाना है इथर में, इथर में यदि हमें 3 डिग्री एल्किल समूह लाना है तो उसके लिए हम एल्किल हैलाइड में ले करके और जो सोडियम एल्कोक्साइड है उसमें 3 डिग्री एल्किल समूह लेते हैं, उसमें 3 डिग्री एल्किल समूह लेते हैं, न कि एल्किल हैलाइड में। क्यों? देखिए कैसे लेते हैं और फिर क्यों नहीं लेते हैं दोनों देखेंगे। जैसे हमें CH3CH2 1 डिग्री ले लिया और ये ले लिया हमने Cl, इसके लिए इसमें यदि हम सोडियम Na+ OCCH3CH3CH3 ये लेंगे, सोडियम 3 डिग्री टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लेते हैं तो उस कंडीशन में NaCl जो रिमूव हो जाएगा और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH2O3 डिग्री ब्यूटिल समूह जो है इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये बात हो रहा है वो ध्यान रखें। लेकिन यदि हम ये 3 डिग्री एल्किल समूह में ये ले लेते हैं तो क्या होता है वो चीज ध्यान दें और उस पर आप आगे गौर करें और इस पर ध्यान रखें पूरी तरीके से। यदि हम ये ले लें CH3CH3CH3Br या Cl कोई सब ले लिया और इसकी रिएक्शन हमने करवा दी Na+O-CH2CH3, तो उस कंडीशन में इथर ना बन करके और ये बनेंगे एल्किल बनेगी। एल्किल बनेगी बनेगी प्लस NaBr प्लस H2O C2H5, ठीक है। देखिए विलियमसन इथर संश्लेषण यदि हम करवाते हैं तो RH एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाएंगे तो इथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यदि हम 3 डिग्री एल्किल समूह लाना चाहते हैं इथर में, एक एल्किल समूह जो 3 डिग्री लाना चाहते हैं तो हमें वह सोडियम एल्कोक्साइड के रूप में 3 डिग्री एल्किल समूह लेना होगा। यदि हम एल्किल हैलाइड के तौर पर ले लेते हैं तो उस कंडीशन में एल्किल प्लस एल्कोहल बनता है, न कि इथर का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात आप ध्यान रखें और उस कंडीशन में ये रिअरेंज हो करके HBr दे देगा और ये HBr इसके साथ क्रिया करके H2O प्लस NaBr बना देगा। तो ये बात जो है वो आप बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखें तो ये विलियमसन इथर संश्लेषण होगा। एलुमिना के निर्जलीकरण से दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी हमने विलियमसन संश्लेषण देखी थी, विलियमसन इथर संश्लेषण विधि। अब तीसरी देखते हैं, तीसरी विधि जो है वह है सिल्वर ऑक्साइड से, सिल्वर तो ये शुष्क लेना पड़ेगा हमें सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया जब हम एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं, किसकी क्रिया,
सिल्वर ऑक्साइड पेज को इसे हम ये भी लिख सकते हैं, वो पेज एक ही चीज ठीक है। और ये कैसा है, शुष्क या सूखा, और इसकी क्रिया जब हम आर एक्स के साथ करवाते हैं तो ए जे एक्स जो है वो साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। ए जे एक्स जो है वो साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है काम करवाएंगे तो आर ओ आर इथर जो है उसका प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस टू ए जी एक्स। यह है इथर बनाने की तीसरी विधि यानी ट्यूबिंग तीसरी विधि ठीक है। तो इथर बनाने की जो विधियां मैंने आपको बताई थी वो अच्छे से देखें, पहले बताई थी मैंने प्रयोगशाला विधि, दूसरी बताई थी मैंने औद्योगिक विधि, तीसरी जो आपको बता रहा हूँ मैं ट्यूबिंग एल्यूमिना से निर्जलीकरण कर सकते 523 केल्विन टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ध्यान रख लेना। विलियमसन संश्लेषण विधि बताई थी, उसमें भी आप ध्यान दे देना किस प्रकार से विलियमसन संश्लेषण होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री जो होते हैं तो वो भी कैसे होते हैं। सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सिल्वर हैलाइड निकल जाता है शुष्क H2 के साथ क्रिया कराने पर, और नम के साथ करवाएंगे तो उस कंडीशन में एक बार बनेगी पीछे आ चुकी है रिएक्शन ऑफलाइन क्लासेज में बता चुका हूँ आपको, और पिछले वर्ष भी आ चुकी है एक बार में भी नम H2O लेते हैं तो क्या होगा, तो एक जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इथर जो है वो हमने बना दिया, उसका फॉर्मेशन हमने कर दिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये एक्टिवेशन की विधियां अब हम नेक्स्ट देखते हैं। डाई एक्टिव इथर पढ़ रहे थे, डाइएथिल ईथर के भौतिक गुण, के भौतिक गुण तो मैं आपको बता दूं इसके भौतिक गुण अच्छे से ध्यान से देखना है। यह है मीठी गंध युक्त यह है द्रव, कैसा वाष्प से द्रव यह है मीठी गंध युक्त वाष्प से द्रव, रंगहीन होता है ठीक है। अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति का होता है, तुरंत आग पकड़ता है, ज्वलनशील प्रकृति का होता है ठीक है। जल में अविलय लेकिन कार्बनिक विलायकों को मिले, कार्बनिक विलायकों में आसानी से आग पकड़े, जल में अविलय इसलिए है क्योंकि जल के साथ प्रॉपरली सही ढंग से अस्पंदित नहीं कर पाता, इस कारण से जल में लगभग अविलय है लेकिन कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय, जैसे एल्कोहल इथर सॉरी जैसे एल्कोहल बेंजीन ठीक है एक्सेट्रा। जल से हल्का सतह पर तैरेगा, जल से हल्का होता है सतह पर तैरेगा, और जल में अविलय तो है ही है ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यह सूंघने पर
वेव से उत्पन्न करता है, यह शून्य पर वेव से उत्पन्न करता है, वेव से आती है, इसलिए इसका उपयोग जो है वो निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक के रूप में इसको निश्चेतक के रूप में काम में लिया जाता है। विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण वगैरह में भी इसे काम में लेते हैं। और इसका क्वथनांक वो पहले ही बता चुका हूँ आपको, 307.6 के लिए होता है, ठीक है। क्वथनांक इसका 307.6 के लिए होता है, इतने पर ये उबलने लगता है, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें यदि हम देखें ज्वलनशीलता वगैरह भौतिक गुण जो वो हमने इसमें देख ली है। अब नेक्स्ट जो है वो क्रियात्मक समूह की संरचना वो भी देख लेते हैं। अगला जो है वह है डायएथिल ईथर की संरचना। डायएथिल ईथर की संरचना, डाइएथिल ईथर जो है उसमें बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है, लगभग 111 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। लोन पेयर, दो लोन पेयर की उपस्थिति होगी। बॉन्ड एंगल ज्यादा होने का जो रीजन है वो ये समूह बड़े इस कारण से है, बाकी लोन पेयर प्रतिक्रिया संदर्भ हो तो अधिक प्रभावित होगा ही होगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो है क्रियात्मक समूह की ऑक्सीजन, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन जो है हम लोन पेयर प्लस सिग्मा वन से पता कर लेते हैं, तो उससे हमें पता चल भी जाती है, तो इससे ये है। और ये बड़े समूह होने के कारण इसका त्रिविम जो प्रतिकर्षण है वो ज्यादा होता है, ये समूह बड़े होंगे तो इनका स्टेरिक इफेक्ट या त्रिविम प्रतिकर्षण जो वो बढ़ जाने के कारण जो वाटर है जल है उससे बॉन्ड एंगल जो है वह बढ़ जाता है। स्टो की कंपेयर में क्या होता है, अधिक बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल एस्टो की कंपेयर में अधिक होता है। तो ये इसके कुछ संरचना के बारे में बातें थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाए, कोई प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, आप तुरंत इसे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं या ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी रख सकते हो कि उसमें कुछ है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आप हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे, इससे आगे संरचना होगी। अपन हम रासायनिक को देखेंगे, रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रिया, ये देखते हैं। निम्न चार प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, पहली रासायनिक अभिक्रिया एथिल प्रतिस्थापित हो या एथिल दो एथिल के समूह है उनकी अभिक्रिया, पहली जो है वह है एथिल की अभिक्रिया, दूसरी जो है वह है ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित, ध्यान देने इस बात पर, इथर में जो ऑक्सीजन परमाणु है उसके ऊपर उपस्थित, ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर की अभिक्रिया, लोन पेयर की अभिक्रिया जो दूसरे प्रकार के अभिक्रिया। देखिए रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रिया एक ही बात है, उसमें हम देखें तो जो प्रतिस्थापित समूह उसके अभिक्रिया जो है वो इसमें होंगी पहले प्रकार की, दूसरे प्रकार के ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर जो लोन पेयर है उस लोन पेयर के कारण जो अभिक्रियाएं हैं वो होंगी। और तीसरे प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वह
ओ सी बॉन्ड बोल सकते हो या सी ओ बॉन्ड बोल सकते हो, बंध वितरण के कारण होने वाली की अभिक्रियाएं। और चौथे प्रकार के जो अभिक्रियाएं हैं उन्हें हम कह सकते हैं अन्य प्रकार के, अन्य प्रकार की अभिक्रियाएं। इस प्रकार से आप इसे टोटल फोर पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और फिर एक एक करके पढ़ लीजिए। इजी वे में आप पढ़ जितने सुनार होगी अपना लगभग पूरा हो जाएगा, कुछ बाकी रहेगा तो नेक्स्ट ट्यूजडे क्लास में हम देखेंगे। तो पहले प्रकार के अभिक्रिया तो एथिल समूह के बीच देखिए, इसमें यदि हम हैलोजनीकरण करवाते हैं अंधेरे में अक्ष टू के साथ में, अंधेरे में अक्ष के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो धीमी गति से होगी और मोनो प्रतिस्थापन प्राप्त होगी। मोनो प्रतिस्थापित जो है वो प्राप्त होंगे अंधेरे में करवाएंगे। ऐसा अच्छा निकल जाएगा। दूसरी बार नेक्स्ट आगे करवाएंगे स्कूल के साथ तो ऐसा जो है वह निकल जाएगा और आगे वो क्रिया हो जाएगी। ये और जो अल्फा कार्बन और पर रिएक्शंस होती है ये रिएक्शंस तो है वह है कंप्लीट हो गया अंधेरे में एक्स के साथ करवाएंगे तो ठीक है। यदि हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं, यदि हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं सीधी सीधी रिएक्शंस है, इसलिए मैं आपको सीधा ले रहा हूँ, ज्यादा डिटेल से आपको इसमें बताने की जरूरत नहीं, सीधे लिख करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में हैलोजन, सूर्य के प्रकाश में हैलोजनीकरण करवाएंगे तो हैलोजनीकरण जो है वो फास्ट हो जाएगा, कंप्लीटली हैलोजनीकरण हो जाएगा, सारे के सारे हाइड्रोजन जो हैं वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। देखिए एक बार जितने भी हाइड्रोजन हैं उतने ही आप सीआर2 ले लीजिए, तीन और दो पांच और पांच दस, टेन सीआर2 और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे HCl के रूप में, कितने 10 HCl और CCl3 CCl2 O CCl2 CCl3। इस प्रकार से सारे के सारे जो हाइड्रोजन वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। ये थी एथिल समूह जो हैं ईथर में उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, और दूसरे प्रकार के अभिक्रियाएं जो हैं वो हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।